पिछले काफी सालों से जब से इंडिया में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है तब से साइबर क्राइम का ग्राफ उतने ही तेजी से बढ़ रहा है और इन पर कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो चुका है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसे ब्राउजर एक्सटेंशन के बारे में जो आपकी प्राइवेसी को काफी अच्छी तरह से मेंटेन रखेगा और इस एक्सटेंशन का नाम है स्क्वायर एक्स। ये आपको कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड करवाता है जिससे आप अपनी सिक्योरिटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आजकल लगभग सभी लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, फिर चाहे वो टेकी हो या नॉन टेकी पर्सन, जिससे सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो नॉन टेकी है। बिकॉज हैकर्स जो होते हैं वो काफी सारी मेलिशियस फाइल्स, ईमेल्स, लिंक्स सेंड करते हैं और आप जब उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो आपका पीसी है और आपका जो डिवाइस है वो हैक हो जाता है। और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी को एक टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्क्वायर एक्स, जो कि आपको काफी सारी अच्छी अच्छी टूल्स प्रोवाइड करवाता है। स्क्वायर एक्स जो है आपको ऐसी टूल्स प्रोवाइड कराता है जैसे कि डिस्पोजेबल ब्राउजर, डिस्पोजेबल मेल, एंड आपको एक एनवायरमेंट देता है फाइल्स को ओपन करने के लिए जो आपको लगती है कि मेलिशियस हो सकती है, और आपको वो फाइल्स जो है वो कंप्यूटर के अंदर आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो जो फाइल्स होती है वो सर्वर कंप्यूटर पे रन करती है जो कि हमारा कहीं पर भी हो सकता है, लाइक किसी भी कंट्री के अंदर। और सबसे कमाल की बात तो ये है स्क्वायर एक्स जो है वो हमें फ्री का वीपीएन प्रोवाइड करवाता है जिससे हम अपनी जो वीपीएन की सर्विसेज है वो काफी सारी कंट्रीज की फ्री के अंदर यूज कर सकते हैं, लाइक सिंगापुर, मतलब एटीसी एक्सेट्रा, कोई भी, हम मतलब दिखाता हूँ आपको। तो स्क्वायर एक्स की वेबसाइट पे हम जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे हमें काफी सारे मतलब ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए गाइस आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि स्क्वायर एक्स क्या चीज़ है और किस तरीके से वर्क करती है और इनके टूल हमें किस तरीके से काम में आएंगे। तो गाइस स्क्वायर एक्स जो है हमारे लिए क्या है कि क्रोम एक्सटेंशन है। क्रोम एक्सटेंशन तो हम बोल सकते हैं लेकिन ये जो है वो मैं बोलूंगा कि इसे ब्राउजर एक्सटेंशन है क्योंकि ये गाइस काफी सारे ब्राउजर पे सूटेबल है, मतलब काफी सारे ब्राउजर जो है इस पे हम यूज कर सकते हैं आसानी से। तो हम एड स्क्वायर एक्स टू एज, मतलब आप जो भी ब्राउजर के अंदर ओपन होगे ना तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपका कौन सा ब्राउजर, और उसी हिसाब से आपको ये सजेस्ट कर देगा कि आपको कौन से ब्राउजर पे इसे ऐड करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को पहले से पता होगा कि एक्सटेंशन को हम ब्राउजर पे कैसे ऐड करते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत इसको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका यूजेस है। ये मेलेशियस वेबसाइट्स को हमें डिटेक्ट करता है, मतलब जो भी हमें लिंक्स वगैरह आती है या फिर हमें कोई भी ऐसी वेबसाइट को विजिट करना है जो हम नॉर्मल अपने कंप्यूटर से नहीं कर सकते, अपने ब्राउजर से नहीं कर सकते, वो हम इस जो इसका जो ये डिस्पोजेबल ब्राउजर है उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके अंदर ऑप्शन आता है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम डिस्पोजेबल ब्राउजर को हम ओपन कर सकते हैं और उस ब्राउजर पे हम जो भी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं सेफली विजिट कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा कंप्यूटर नहीं होगा, वो किसी और कंट्री का किसी और कंप्यूटर से हम विजिट कर रहे होंगे। लाइक यहाँ पे दिखा रखा है हमें कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, काफी सारी कंट्रीज है, मतलब यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज जो हमें फ्री के अंदर वीपीएन प्रोवाइड करवा रही है। हम जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो डिस्पोजेबल ब्राउजर जो हमारा ओपन हो जाएगा। जो भी वेबसाइट्स जो है वो हमारे इंडिया के अंदर बैन है वो वेबसाइट्स हम विद द हेल्प ऑफ दिस ब्राउजर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि हमारा जो ब्राउजर है वो खुल चुका है इस सिंगापुर की कंट्री के अंदर। तो हम आपको दिखाता हूँ एग्जांपल कि हम जैसे यहाँ पे youtube.com जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देख लेना जो ब्राउजर जो उसके आँख पे जो यूट्यूब खुला है ना वो सिंगापुर का खुला है, जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं। देखो तो मतलब यहाँ पे मैं अपनी कंट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, अपनी कंट्री के मतलब आईपी से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगापुर की कंट्री के आईपी से मैं काम कर सकता हूँ इसी ब्राउजर, सेम ब्राउजर के अंदर। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मेलिशियस फाइल्स का भी। यहाँ पे हमें काफी सारी फाइल्स जो है हैकर्स जो है वो भेज देते हैं, पीडीएफ फाइल भेज देते हैं, एक्सएलएस फाइल भेज देते हैं, डॉक्स फाइल भेज देते हैं, पीपीटी फाइल्स भेज देते हैं। तो अपने को लगता है कि वो फाइल नॉर्मल होगी लेकिन जो हैकर्स जो होते हैं इन फाइल्स के अंदर काफी सारी मेलिशियस फाइल अटैच करके भेज देते हैं जिसकी हमारा कोई आइडिया नहीं होता कि ये हमारे पीसी को हार्म कर सकती है या फिर नहीं। तो इन फाइल्स को चेक करने के लिए स्क्वायर एक्स हमें एक चीज प्रोवाइड करवाता है जो कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमें जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर का हमें ऑप्शन आता है। जैसे हम इस पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसके ऊपर आप अपनी उन फाइल्स को ओपन कर सकते हो जो आपको लगता है कि मेलिशियस हो सकती है और वो फाइल्स आपको किसी अननोन पर्सन ने भेजी हो। तो जैसे हम स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। वेट करते हैं गाइस उसका खुलने का। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और हमारे पास उसके ऊपर लिखा हुआ है ड्रैग योर डॉक्यूमेंट, फोटोज, म्यूजिक और वीडियो हेयर टू व्यू देम सिक्योरली। सो गाइस हम इस एरिया के अंदर अपनी फाइल को ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं और हम ब्राउज के इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सिस्टम के ऊपर जितनी भी फाइल्स वगैरह होगी हमें शो करेगा और हम उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। सो मेरे पास ये जो DSA वाली फाइल है उसको मैं ओपन करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को लगता है कि ये DSA वाली फाइल के अंदर कुछ मेलिशियस कोड हो सकता है, मेरे को लगता है कि ये मेलिशियस फाइल हो सकती है तो मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा। सो आपको मैं बता दूंगा स्क्वायर एक्स बेसिकली हमें एक ऐसा सर्वर प्रोवाइड करवाता है, एक ऐसा डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर प्रोवाइड करवाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपनी फाइल जो है ना वो अपने सिस्टम पे ओपन ना करके इनके सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम को बिल्कुल भी हार्म
नहीं करेगी। अगर वो फाइल मलेशियस होगी ना तो वो हमारे सिस्टम को कोई हार्म नहीं करेगी, बल्कि वो इस सिस्टम पे ओपन होगी जो स्क्वायर एक्स हमें प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये हमें एक अच्छा फीचर जो स्क्वायर एक्स हमें प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी बिल्कुल ही फ्री के अंदर, तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप सभी को इसका मस्त यूज़ करना चाहिए। सो गाइज एज यू कैन सी फाइल जो है वो ओपन हो चुका है, जैसा कि देख ही सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटरफेस है ना ये काफी मैच होता है लिनक्स से, और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये सेंटोस से मैच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको भी यूज किया हुआ है। तो देख सकते हैं गाइज इसके अंदर वैसे कोई मलेशियस फाइल वगैरह नहीं थी, ये बिल्कुल सेफ फाइल थी, और थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है, सॉरी गाइज, इसलिए ज्यादा लोड ले रही है फाइल्स। तो गाइज जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि हमारी फाइल जो सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है, जो कि हमारे सिस्टम पे ओपन ना होकर के इस ब्राउजर के ऊपर ओपन हो रही है, ठीक है। सो गाइज स्क्वायर एक्स जो है हमें टेम्प मेल सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। कुछ जगह पे होता है गाइस जो हम नहीं चाहते कि अपने खुद की पर्सनल मेल का हम यूज करें, हर एक जगह पे हम अपनी खुद की पर्सनल मेल का यूज नहीं कर सकते। लाइक काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइक कोई भी ऐसी वेबसाइट हो गई जिसपे हमें अकाउंट बनाना मैंडेटरी है, वरना उसकी सर्विस को हम यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे गाइस हम अपनी टेम्परेरी मेल का यूज कर सकते हैं, जो कि हमें क्या होता है गाइस, जो ये टेम्परेरी मेल है ना ये एक लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, और वो उस टाइम के अंदर हम वो मेल का यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। तो आपको मैं एज एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ कोई भी वेबसाइट के ऊपर इसका यूज करके। सो गाइस फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को इनकॉग्निटो मोड के अंदर लेके जाता हूँ, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट है Voicify, ठीक है, उस वेबसाइट पे आपको लेके जाता हूँ, उस वेबसाइट पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस टेम्परेरी मेल का यूज करके Voicify में अपना अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, साइन अप पे क्लिक करता हूँ। सो गाइस सिंपली बता देता हूँ थोड़ा सा इसका बेसिक क्या चीज है Voicify। सो गाइस Voicify एक ऐसी वेबसाइट है जो हमें वॉइस का ना क्लोन भी करके देती है, और उसके ऊपर ना आप मतलब कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना, लाइक सॉन्ग आते हैं रियल ओरिजिनल सॉन्ग, उसके आप ना सॉन्ग को आप लोफी सॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कुछ लोग सॉन्ग होते हैं ना जो ओरिजिनल सॉन्ग होते हैं उनका लोफी में कन्वर्ट करके फिर YouTube पे अपलोड कर देते हैं, या फिर कहीं पर भी अपलोड कर लेते हैं, तो इस प्रकार से आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं सिंपली क्या करूँ, साइन अप करने की कोशिश करूंगा, जो मेरे को सजेस्ट कर रहा है वही लिख देता हूँ नाम, तो और जो मेल है मैं वहां से कॉपी करूंगा टेम्परेरी मेल का जो हमें स्क्वायर एक्स प्रोवाइड करवा रहा है, तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूं और यहां पे जाता हूं और मेल को यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, और इसकी टर्म एंड कंडीशन को मैं एग्री करता हूँ और ज्वाइन वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, अपना जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली इसके ऊपर बन जाएगा, और मैं अपनी खुद की मेल का यूज नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, अपनी मेल का यूज नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेरी मेल का यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनकी सर्विस का मैं यूज कर पा रहा हूँ। तो हमें ना इसके ऊपर जो भी इनबॉक्स के अंदर हमें जो भी आएगा ना मैसेज वगैरह, तो हमें इनबॉक्स के अंदर मिल भी जाएगा, लेकिन उसका हाँ देखो उसका एक वेरीफिकेशन आया ना हमारे पास, तो उसका हमें वेरीफिकेशन करना पड़ेगा जो हमें इसका अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए तो क्लिक हेयर टू। सो गाइज जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं वो वेरीफाई हो चुका है, देखो हमारा अकाउंट जो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है इस वेबसाइट के ऊपर, और इस वेबसाइट के अंदर आपको मैं कुछ खास चीज़ बता देता हूँ, लाइक इसके अंदर ना आप अपनी वेबसाइट के आप इस वेबसाइट के अंदर ना काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के ना वॉइस का क्लोन बना सकते हो, मतलब आप अपनी वॉइस के अंदर जो भी बोलोगे वो इस वेबसाइट के ऊपर आप अपलोड करके इनकी वॉइस में आप वो चीज़ बोल सकते हो, ठीक है, जो भी यहाँ पे कैरेक्टर्स अवेलेबल होंगे आप उनकी वॉइस के अंदर खुद की वॉइस को चेंज कर सकते हो। तो ये वेबसाइट है, तो मैंने इसके ऊपर सक्सेसफुली अकाउंट बना लिया है। सो गाइज आपको स्क्वायर एक्स जो है वो इतने फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है, और स्मार्ट इंटीग्रेशन जो है वो अपनी स्मार्टली वर्क करेगा, अपनी जो ये अपना जो भी हम इसके अंदर ब्राउजर के ऊपर वर्क करेंगे, अपनी ब्राउजिंग जो भी करेंगे, तो ये अपनी स्मार्टली आपको डिटेक्ट करके आपको बताएगा, ये ब्राउजर के अंदर जो भी मलेशियस फाइल्स वगैरह होगी ना इसको ऑन रखोगे जब आप, तो मतलब आपको फाइल्स का अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि इसके अंदर कोई मलेशियस फाइल है, या फिर मलेशियस कोड है, या फिर कोई ऐसी लिंक है जो आपको मतलब हार्म कर सकती है आपके आपके पीसी या फिर डिवाइस को, तो आप इसको ऑन रख सकते हो। और व्यू ऑप्शन अटैचमेंट्स वगैरह ये भी आप अगर ऑन करते हो तो जीमेल के अंदर जो भी एक्सटर्नल अटैचमेंट आते हैं ना फाइल्स के साथ वो आपको डिटेक्ट करके बताएगा और स्कैन करेगा उसको पूरा का पूरा, ठीक है, और जीमेल स्कैन मलेशियस डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आते हैं ना वो भी उनको भी स्कैन करेगा, मतलब ये काफी बढ़िया स्क्वायर एक्स जो है ना काफी बढ़िया सर्विसेस प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी बिल्कुल ही फ्री के अंदर। सो गाइस मेरे को बहुत अच्छी लगी ये वेबसाइट, ये जो टूल है ना स्क्वायर एक्स, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बना रहा हूं गाइस, ठीक है, पर्सनली बता रहा हूं मैं इसका यूज करता हूं, ठीक है, इसलिए मैं इसको आपको मैं सोचा कि बता देता हूँ। सो गाइज यही थी वीडियो आज की, और वीडियो को खत्म करते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो आपको पसंद आई ना तो गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है, 400 के काफी नजदीक है, देखो गाइज ठीक है 400 तो करवाई दो, आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।